जय चल प्रगति के कदम पर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हम एक आदर्श शासन के स्वरूप को पहली बार की विचार करने जी को साथ हमने इस बुक बैंक का उद्घाटन कराया, इस बुक बैंक का शुभारंभ कराया और पिछले दो दिन में मेरा आग्रह है माननीय किशनगढ़ अजमेर में 1,68,00,000 की लागत से बने लवर ब्रिज नंबर 1 नंबर 2 का शिलान्यास और पंचायतवासियों की चलो इस सड़क को। और मैंने कहा भी मेरे को जब मैं गाड़ी में बैठी थी सारा जीते हैं कलेक्टर जीते हैं तब ने मेरे को ये कहा सर हमने शुरुआत का काम किया है परंतु अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैंने कहा कि मेरे 7 शहर जो बड़े सौभाग्य के शहर हैं वो ही नहीं हमारे छोटे शहर भी साफ सफाई की एक रस्ते की ओर अपने को बढ़ रहा है। मैंने जयपुर का अभी देखा है और अभी मैं डूंगरपुर से आ रही हूं। आपसे तो डूंगरपुर बहुत ही छोटा है परंतु डूंगरपुर ने जो सफाई की है वो बहुत ही मैं समझती हूं उनको बहुत दफा मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा ये शुरुआत को एक एक व्यक्ति को अपने जहन में लेना है या एकड़े के साथ साफ करेंगे अरे हमारे एमएलए साहबान हमारे मंत्री साफ करेंगे नहीं करेंगे हम सब साफ करेंगे मंजूर हाँ ये मंजूर हम लोग सब साफ करेंगे तभी ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। और हमें खुशी है कि इसकी शुरुआत 8-14 तारीख से देखने को मिला। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जो हमारे बुक बैंक के लिए हमारे लाइब्रेरी के लिए जो हमारे कपड़ा बैंक के लिए जो हमारे उसके साथ साथ टॉय बैंक के लिए जिन लोगों ने और रंग बैंक के लिए जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं जो हर शहर स्पेशली ऐसा शहर जो स्मार्ट बनने की तलाश में है वहां ये 3 लाख चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम लोगों को बिना पैसे के खुश करने का काम करें। किताब सब आदमी पढ़ना चाहता है और कपड़े हमारे सबके बेस्ट हैं आप भी हमारे लिए सब हैं ऐसे ही पढ़ने के बजाय अगर हम उनको एक जगह पर संग्रह कर देते हैं उनको साफ करके आने वालों के द्वारा जैसे आप बच्चों के लिए अगर इन्हें भेज रहे हो मैं समझती हूं कि उसका कितना अच्छा उपयोग होगा वो आप ही समझ सकते। किताब अगर लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में बढ़ेंगे तो भी खुशी लोगों के बीच में आएगी। और रक्त डाटा का जो अभी मैंने मोबाइल ऐप चालू किया उसमें मैंने एक की ये निकालने की बात कही है कलेक्टर ने बताया कि अगर आप ये सब बातें उसके अंदर लिख देते हो कि कौन सा आपको ब्लड ग्रुप चाहिए उसका कब चाहिए कहां चाहिए अगर आपने बता देते हो तो इसका इंफॉर्मेशन उन सब लोगों को कि वो जो ग्रुप का है उसके पास पहुंच जाएगा और वो तुरंत ही पहुंच के बैंक के हॉस्पिटल के अंदर खून देने की तैयारी में आ जाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने आज मिलकर अक्षय पात्रा का एक बहुत सुंदर काम चालू किया है। मैं स्वामियों को अच्छी तरह से जानती हूं उन्होंने जयपुर में भी काम किया है उन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर चित्तौड़ के अंदर कहीं कहीं अपने राजभवन के अंदर बहुत अलग जगह के अंदर उन्होंने ये काम चालू किया है। आज आप लोगों ने देखा होगा कितना साफ सुथरा किचन 40,000 मोदी एक साथ बन रहे हैं गरम गरम खाना बच्चों को यहां मिल रहा है और गरम खाना बक्सों में बंद करके अपने टेम्पो के द्वारा कितने 12-24,000 बच्चों के बीच में बांटने का काम पूरे अजमेर के अंदर ये काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि छोटा मोटा काम नहीं है और आप जो भी देखे होते तो मैंने तो एक पूरा रोटी और आलू ट्राई किया और मैं बताना चाहती हूं कि बड़ा स्वादिष्ट मैं भी मानती हूं कि अगर मुझे भी बुलाते हो तो मैं भी खाना खाने आराम से वहां पहुंचता इतना अच्छा खाना। इसके साथ साथ आज मैं आप लोग सबको अग्रिम बधाई देना चाहती हूं क्योंकि कल की शुभकामनाएं तो कल दूंगी दूंगी परंतु अग्रिम बधाई इसके आज आप लोग सबको भी दूंगी क्योंकि आपकी आज बहुत सारी संख्या में यहां आए। हमने एक दफा अजमेर के अंदर राष्ट्रीय पर्व मनाया है और हमने सोचा था कि अब तक एक और आपके यहां बन जाता
हर साल कहीं और 26 जनवरी कहीं एक संभाग में तो 15 अगस्त किसी और संभाग में हम यह करेंगे। तो मैंने देखा कि पिछले 5 साल के अंदर यह काम रुक गया था, अब इसको फिर से चालू करवाया है। इसलिए किया है कि हमारा इसके पीछे मकसद इतना ही है कि हम जिस संभाग में राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं वहां इस तरीके से जाने से पहले आप देखेंगे कि वहां शहर के अंदर सफाई भी हो जाती है, उस शहर के ऊपर ध्यान देते हुए क्या क्या चीजों की जरूरत है उन चीजों को हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और एक राज्य स्तरीय समारोह अगर होता है तो उसके अंदर जिले के लोग भी अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि राजस्थान अकेले जयपुर या अकेले अजमेर या अकेले 7 समारोह का नहीं है, हम सबका है, पूरा परिवार है। इसमें 36 के 36 कौन है, इसमें सब जनता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और एक परिवार है। और बार बार अगर उनको सबको मौका मिल जाता है तो मैं समझती हूँ कि सबको ऐसा लगता है कि भाई हम राजस्थान के भी अंग हैं। ये आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश में हमने आज इस विकास कार्यों को भी तेजी देते हुए आपके इस क्षेत्र के अंदर किया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इस पवित्र धरा के ऊपर आज 7,13,750 लाख के काम आपके सामने हमने पूरे किए हैं। इसमें मैंने जब देखा तो कुछ तो उद्घाटन और लोकार्पण के कार्य 7 ग्रामीण बॉर्डर पर पूर्ण हो चुके हैं, 57 किलोमीटर पूरे, 27 करोड़ उसमें लगे हैं, 51 करोड़ के आपके आरआईडीएफ के रोड बन चुके हैं, मिसिंग लिंक 27 करोड़ के आपके बन चुके हैं, 100 करोड़ का निर्माण भी आपका हुआ है, 6 लेन का 13 सड़क का निर्माण 8 करोड़ का आपका हुआ है, फ्लोराइड के नियंत्रण का योजना 181 करोड़ का काम पूरा हो चुका है। फ्लोराइड नियंत्रण की दूसरी मसूदा वाली जो है ये तो किसानों की है, मसूदा वाली 75 करोड़ की, वो भी आपकी कार्य पूर्ण हो गया है। और अजमेर पुष्कर शहरी स्टूडेंट एंड कल्चर कर योजना के अंदर 154 करोड़ 5 पैकेज के अंदर पूरा हो गया। और इसके साथ साथ पाइपलाइन, जलाशय और हैंडपंप, नलकूप वगैरह वगैरह जो 412 कार्य पूरे हुए हैं वो 117 करोड़ के, और 30 करोड़ ऐसे हैं जो विलय योजना के अंतर्गत हमने और भी किया है काम। श्रीनगर रोड पे काम हुआ है वो आपके 42 करोड़ का, और साथ में आपके शहर में पार्किंग व्यवस्था के 4 करोड़ का काम हुआ है। टोटल ये जो काम हो चुका है 688 करोड़ रुपए, जिसका हमें इसमें गिनती नहीं करनी। 20 करोड़ इन लोकार्पण उद्घाटन शिलान्यास के अंदर 20 करोड़ ऐसे भी हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि सावर जी जब मंत्री थे तो आपको याद है सावर जी, हम लोगों ने मिलकर अजमेर के लिए प्लान बनाया, पानी की प्रॉब्लम थी, 20 अरबों के पानी को हम यहां लाएंगे, और हम लोगों ने तय किया था कि 2 दिन का स्टोरेज और 1 दिन का स्टोरेज, हम इसको किस तरीके से और कैसे हम कर सकेंगे। 40 एलएलबी की शॉर्टेज फिर भी थी, अब हमने 20 करोड़ रुपए देके वो 40 एलएलबी की शॉर्टेज का पूरा काम करने का काम चालू कर दिया है। इसका फायदा आपको सबको मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अजमेर को जितने जल्दी पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वो भी काम हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ 2-3 चीजों के ऊपर मैं ध्यान देना चाहती हूँ डायरेक्टर, मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि ये जो काम हुए हैं उनका तो अखबार के अंदर तो आप काम बताओगे ही बताओगे, परंतु उसके साथ साथ हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड लग चुके हैं आईटी से, उनके ऊपर भी विभाग वाइज अगर आप बताते जाओगे तो पूरी यहाँ की जनता को ये मालूम हो जाएगा कि 688 करोड़ रुपया, 713 करोड़ रुपया किस तरीके से खर्च हुआ है, तो उनको भी मालूम हो जाएगा। कोई पुष्कर का है वो जानना चाहता है, कोई कहीं ब्यावर का है वो जानना चाहता है, कोई केकड़ी का है वो जानना चाहता है, वो आए अपने काम को देखें और अपनी जनता के बीच में जाके बताएं कि ये इतने काम हुए। अब मुझे ये भी मालूम है कि जब ये काम चालू हुआ था तो ये 2 साल से गिरावट में ऐसी जर्जरातु स्थिति हमको मिली थी कि उसको ठीक करने में हमको समय लगा। जब पहले 2003 के अंदर सरकार आई थी तो ये स्थिति इतनी खराब नहीं थी, इस बात को खजाने की जो स्थिति थी मैंने कभी आपके सामने ये नहीं कहा कि खजाना खाली है, परंतु खाली होने के बावजूद भी जो काम आपके सामने करके दिए हैं
कभी सड़क के ऊपर खड़े होकर ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। परंतु बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये कहा, ऐसा वो चीज नहीं है। मान ली क्या हो गया, दो साल निकल गए, अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मकान भी बनाना है ना, तो उसको समय लगता है, पहले आप उसकी नींव खोलोगे। और गिरा हुआ खराब अव्यवस्थित हालत में मकान अगर हो तो पहले तो उसको गिरा आओ, फिर उसको समतल करो, फिर उसको नीचे खुदाई करो, फिर उसको खड़ा करो, तो उस पर तो समय और लगता है। दो साल लग गए, पर आज मैं नहीं समझती कि कोई भी ये कह सकता है कि राजस्थान के अंदर काम नहीं हो रहे। आपके अजमेर के अंदर जो आपने देखा है, वही स्थिति पूरे दूसरे जिलों के अंदर भी हो रही है। पर मैं आपको भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे ये रोड होता है वैसे आपको देखने को मिलेगा। मैंने राजस्थान मैंने इसको नहीं कहा कि आप मेहरबानी करके एक किताब बना लो। कभी कोई आपके पास जनता आके कहती कि क्या काम हुआ, तो आप भी उसमें सुन जाते हो क्या काम हुआ। तो मैंने कहा किताब लिख लोगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि आपने खुद ने क्या काम किए। तो सबने किताब लिखी, अब उसके बाद सब चुप हो गए, क्योंकि या तो किसी ने 500 करोड़ का काम किया है, तो किसी ने 400 करोड़ का काम किया है, तो किसी ने 350 करोड़ का काम किया है। तो जैसी उसकी क्षमता है उसने काम किया है, पर ये कोई नहीं कह सकता कि हमने काम नहीं किया। और अगर ऐसा है कोई तो मैं समझती हूं कि जनता के काम नहीं जा पाएगा। और मैं साथ साथ यही आपको कहना चाहती हूं, दो तीन चीजें ऐसी हैं, क्योंकि पूरी बातें तो मैं आप लोगों को कभी कहूंगी, पर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे चाहिए आपका साथ। दो बड़े बड़े हमारी योजनाएं हैं, मैं बार बार सबके सामने ये बात कहती हूं। सबसे पहले हमारी योजना है आपके भामाशाह वो योजना है जो मैं समझती हूं कि बहुत दूरगामी सोच का एक योजना है। आज अगर आप लोग कहीं विदेश में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, तो सब लोग कार के ऊपर काम अपना करते हैं, कोई पैसा नहीं यूज करता। हम अभी भी पैसा यूज करते हैं। 2007-08 में भामाशाह योजना को हमने शुरू किया और आप ही के यहां से अजमेर से ही हमने इसको जनता को समर्पित किया। उस योजना के अंदर महिला को आगे रखे परिवार की मुखिया बांध के हमने जो पैसा उसके पास आता है सरकार की ओर से, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो जनरल सुरक्षा हो, चाहे वो कोई भी काम जनता की ओर सरकार की ओर से आ रहा है, तो वो डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। और वो अपने कार के ऊपर जैसे पैसा पहुंचता है उसके फोन के ऊपर आ जाता है कि आपके बैंक के अंदर और इतने पैसे, और अगर वो पैसे निकालती है तो उसके फोन पे ये आ जाता है कि इतने पैसे हम आपके बाकी हैं। यह मैं समझती हूं कि राजस्थान को छोड़ के कोई और प्रदेश नहीं है जो तो इस तरीके से कार के ऊपर पैसे रख के और निकाल सकता है। आपका इसका पूरा ब्रांडिंग रुपए कार्ड के साथ और हमारे खुद का जो अपना बैंक है अपना सहकार बैंक उसके साथ भी हमारा को ब्रांडिंग, और एक बटन को दबा के अगर आप इतना पैसा दे सकते हो और दे सकते हो तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ा काम है। इसमें आज पूरे राजस्थान के अंदर ये समझिए कि 1,25,75,000 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने कार्ड दिया है। इसका मतलब यह है कि 4,43,72,000 लोग और 8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और 3,481 करोड़ रुपया आज लोगों के खाते में जमा है। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, 3,500 करोड़ रुपया लोगों के बैंक के खाते में अपने कार्ड से निकालने की व्यवस्था वो कर सकते हैं। और इसलिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मैंने पूरे देश के अंदर ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान प्रदेश को मिला है। ये कोई बहुत अच्छी बात है भाई, ये वही देश है प्रदेश है जो दीवार मारा जाता था, जिसको कोई सोचता नहीं था कि आगे के फायदा में आ सकता है। आज वही प्रदेश 2.5 साल के अंदर यहां तक पहुंच गया है। इस कार्ड के ऊपर हमने स्वास्थ्य बीमा योजना को भी जोड़ा। कहते थे ना
कि फ्री दवाई मिलती है तो फ्री दवाई को रोक दिया, फ्री दवाई को रोका नहीं है। फ्री दवाई जो 300 करोड़ की होती थी वो 400 से ज्यादा करोड़ की हम फ्री दवाई दे रहे हैं, परंतु फ्री दवाई के साथ साथ हमने बीमा की योजना को भी लगाया है। क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीमा की मदद अगर मिल जाती तो गरीब से गरीब लोगों को हार्ट का ऑपरेशन 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख तक, जो भी आज देश के अंदर सबसे बड़ी बीमा की योजना है वो आज राजस्थान के अंदर चालू होने जा रही है। आप इसके ऊपर गर्व कर सकते हो भाइयों कि पूरे देश के अंदर ये ऐसी भावना ऐसी पहली स्कीम है। 545 ऐसे निजी अस्पताल हैं और 432 राजकीय चिकित्सालय हैं जो साथ में मिलकर देश में सबसे अधिक बीमारियों का इलाज करते हैं। 1715 बीमारी इनके इस बीमा के अंदर आती है। अब तक इंडोर पेशेंट 3.5 लाख हमारे हो चुके हैं। कैशलेस चिकित्सा में बिना पैसे दिए चिकित्सा 140 करोड़ का हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अजमेर के अंदर 26 चिकित्सालय 13 राजकीय और 13 निजी और 18,751 पैकेज हो चुके हैं और 8 करोड़ रुपया का आपके जो ये बीमा का काम चला है कैशलेस चिकित्सा जिसको कहते हैं वो अजमेर के अंदर 8 करोड़ का चल चुका है। और ये 3-4 महीने की बात है। मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये दोनों स्कीम आपकी ऐसी है, मेहरबानी करके आप जहां जाते हो बीपीएल परिवार हैं जो परिवार इसको नहीं चला सकते उनके आज तक आप सब जो मंच पे बैठे हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अब आयो बहनों मैं एक ही बात को कहना चाहती हूं, जब कोई भी नई स्कीम चालू हो जाती है तो परफेक्ट नहीं होती। पहले जब चलेगी तो हो सकता है कि कुछ गलतियां उससे निकलेंगी, हम बैठे हैं उसको सुधारने के लिए। और इसीलिए कभी कभी दुख होता है जब लोग उसको बाहर जो है एडवर्टाइज करते हैं कि पॉस मशीन चलती नहीं, एक पॉस मशीन नहीं चल रही है परंतु हजारों पॉस मशीन चल रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम क्यों नहीं बोल रहे हैं उन पॉस मशीनों के ऊपर कितने सारे लोगों को फायदा मिल रहा है? हमको एक ही वो पॉस मशीन मिली जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वो पॉस मशीन नहीं चल रही। नहीं चल रही हो सकता है, जब नई नई बात होती है आप नया धंधा चालू करते हो तो आप परफेक्ट है क्या? मैं इसीलिए आप सबको कहना चाहती हूँ कि जहां जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम है वो आप वहां के कलेक्टर को बताओगे। हमने ये भी तय कर दिया है कि एनएफएसए के लिए पेंशन के लिए अगर ये नहीं आ रहे हैं आपके पॉस मशीन के ऊपर या ई मीटर के ऊपर तो मेहरबानी करके हमें खबर कर दीजिए। अगर खबर कर देते हो तो हम कैंप लगा के हम इनको पूरा कर देंगे। अभी 25 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक हमने इसको चलाया और ऐसे कैंप हम लगातार कर रहे हैं। जहां जहां हमको डिफिकल्टी मिल रही है वहां जहां जहां मिल रही है वहां कर रहे हैं, परंतु ये एक अभी कभी का काम है। इसलिए अगर हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो इसका फायदा हम सबको मिलेगा। आज ई मित्र ये आपके सामने 4,000 से लेकर 35,000 ई मित्र आज राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। 252 ऐसे सेवाएं हैं जो ये आपको दे रहे हैं। मुख्यालयों के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिए हैं जो आपको इस चीज के बारे में बताते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आती है झुंझुनू धौलपुर झालावाड़ हनुमानगढ़ गंगानगर सीकर चुरू या तो लग गए हैं, अब दूसरों में भी लगी रहे क्योंकि यह सब चीज आपको देखने को मिल जाएगी। हमने कह दिया है ई मित्र जहां काम नहीं कर रहा है उसके दीवार के ऊपर जो सेवा है वो दे रहा है वो कितने दाम पे दे रहा है उसको लिखित में देना है। अगर वो बढ़ा जाता है तो जो भी है चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आप से कोई हो आप उसकी तस्वीर लेके कलेक्टर साहब या हमारे उस पर अपलोड कर दीजिए और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ई मित्र जो गड़बड़ कर रहे हैं और पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुरंत ही सस्पेंड करके हटा दिया जाएगा, उनको चलाइए नहीं। हम फिर हमें आपको बताएंगे हमारी मदद करिए। अगर आपको दिख गया गांव में गए हो आपको दिख गया आप मेहरबानी करके हमारी मदद करिए तो ये जल्दी से जल्दी प्रोग्राम रूल रोल आउट हो जाएगा, इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। अन्नपूर्णा योजना हमने देखा कि करीबन 24,900 कुछ ऐसे राशन की दुकानें यात्रा में जब हम गए थे तो जगह जगह पर ये राशन की दुकानें हमने मिली।
कहीं कहीं तो ऐसी दुकानें थी जहां अपने जानवर को भी आपने दी। हमने उसको देखने के बाद ये कहा कि हमारे व्यक्ति को चाहे वो कितना भी गरीब हो उसको उसकी इज्जत देनी चाहिए। हमें ऐसे दुकान तैयार करने हैं जहां हम सब जा सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी उसकी बात पहुंच सकता है, अच्छी से अच्छी सेवा उसको देनी चाहिए। इसको सोच के हमने किशोर बिरयानी के फ्यूचर ग्रुप से एक साझा किया और आज 5,000 ऐसी दुकानों को रोल आउट करने का हमने उनके साथ काम किया है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,261 खुल चुकी हैं, 165 आपके अजमेर के अंदर, आगे 24,907 और जो बची हैं उनको भी हम कवर करेंगे। उसमें हमने ये तय किया कि अच्छी सी दुकान जिसमें पेंट हो उसके दो सेक्शन हो, एक सेक्शन के अंदर हमको वो राशन की काम तथा सेवा दे, एक सेक्शन के अंदर एक छोटी रिटेल जैसे काम को करें जिसके अंदर चावल हो, दाल हो, चाय हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, तो आदमी को दूर जाने की जरूरत न हो। और वो राशन की दुकान जो खाली 2 महीने में खुला करती थी अब पूरे महीने खुले, अब उसको पैसा भी मिलेगा तो उसको ऐसी दूसरी किस्म की कार्रवाई करने की किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत अच्छी तरह से आपकी दुकान करें। अब है कि भाई कोई लोग उसको पसंद नहीं करते, परंतु हम ये कोशिश में है कि 10% से लेके 20-25% तक जो माल उसके अंदर मिलता है वो कम मिलना चाहिए। अब इसके लिए रेट आपको लिखे हुए मिलने चाहिए क्योंकि ये हमारा कारण है। अगर वहां आपको रेट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और उसकी भी बात यहां कलेक्टर के पास या हमारे जिला सरकार के पास आ जाना चाहिए। अगर वो बताता है तो मैं समझती हूं कि बहुत जल्दी वो लोग भी अपना काम सही तरीके से करने लगेंगे और जनता तक वो कम दाम पे सामान साफ सुथरा मिल जाए। इसके साथ साथ पर्यटन हमारे अजमेर के लिए बहुत बड़ी चीज। मैंने अभी कलेक्टर को सबको बताया कि म्यूजियम के लिए भी हमने अलग से पैसे दिए, फिल्म की एक लाइब्रेरी आपके पास है उसके लिए मैंने अलग से पैसे दिए। मैं चाहती हूं कि म्यूजियम एक टॉप क्लास आता बन जाए क्योंकि यहां एक बहुत सुंदर है म्यूजियम, बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है, उसको अच्छी तरह से बना दें तो एक नया चीज बन जाएगा जो पर्यटक देख सकेगा। मुझे बड़ी खुशी है जब मेयर साहब ने और सबने मिलकर मेरे को यह बताया कि आपके अन्नासागर के चारों ओर 2 किलोमीटर की दूरी का एक पाथवे बन चुका है। मैंने कहा पूरा ही बना दो तो पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल ट्रैकिंग के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा बन जाएगी जिसका फायदा यहाँ के सब लोगों को मिल जाएगा। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान देना है और साथ में पुष्कर का पुष्कर की व्यवस्था के लिए ऐसी प्लीज आपके अन्नासागर के लगते हैं प्लीज कनेक्शन करवाएं। आपको कनेक्शन करवाया इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ एससीपी के अंदर सिंगापुर के अंदर जो एससीपी लगी है वो पानी इतना साफ करती है भाइयों बहनों कि लोग उसे पीते हैं। अब तो मेरे को ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं आपको ये कह रही हूँ यहां नहीं करना है, कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कहीं अखबार वाले लिखना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं सर 2 किस्म के पानी आ जाएंगे, एक किस्म वो डीजल फूटा पानी साफ होकर आपको पीने के लिए मिल जाएगा घर के लिए किचन के लिए, और दूसरा पानी जो गाड़ी साफ करने का, जो आटा रोड साफ करने का, जो आपको बगीचे के अंदर लगाने का, वो अच्छा पानी इस्तेमाल करने के बजाय जैसे विलायत में होता है वो दूसरे नंबर का पानी उसमें इस्तेमाल किया जाए। तो इसका हल ये हुआ कि पानी बच गया और वो पानी बच जाएगा तो ये समझो अजमेर को कितना फायदा हो जाए। तो ये ऐसी भी एक याचिका है आपके अन्नासागर पे, एक हम कह रहे हैं कि पुष्कर के अंदर जल्दी से जल्दी लगाया जाए ताकि पुष्कर के सरोवर का पानी गंदा नहीं रहे। हाँ, आपने पुष्कर का चारों ओर का जो परिक्रमा है उसको ठीक कर दिया है और जो बिजली के पोल है उसके तार जो है उनको अंडरग्राउंड कर दिया है। अब मैंने ये कहा है कि आपने दिसंबर के महीने में भक्ति संगीत का फिर से बहुत बड़ा उपयोग करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुष्कर के अंदर आपका जो मेला है वो मेला चलेगा चलेगा जानवर का, वो नवंबर के महीने में है और दिसंबर के महीने में आप ये कर दो जो लोग दूर दूर से आएंगे इस चीज, जैसे जयपुर के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए दुनिया के लोग आते हैं वैसे समय ऐसा होना चाहिए आगे कि पुष्कर के फेस्टिवल के लिए लोग बाहर से और दूर दूर से आके अजमेर और पुष्कर
का पर्यटन का एक हर बड़ा है, ये हम लोग चाहते हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा, अभी अभी हमने आपके स्टेशन पे मैंने काम चालू किया है। अब आपको मान लीजिए कितने लोग स्टेशन पे गए हों या नहीं है, गए हैं क्या? कोई गए हैं स्टेशन? क्या यार, आप लोग यहाँ रहते हो, स्टेशन नहीं देखा है? जाके देखते तो आप कितना सुंदर है, आपको सब करके भाई को ले जाके दिखाओ कितना सुंदर स्टेशन के अंदर पेंटिंग हो गया है। हाँ, जाके तो ना देखो, और वो एक ही स्टेशन नहीं है, ऐसे 10 स्टेशन हो गए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, सातों संभाग के अंदर, एक रंजन गोवा के अंदर और दो और जयपुर के अंदर, 3 स्टेशन है जयपुर में, वहां 2 और, ऐसे करके 12 स्टेशन आपके पूरे हो गए हैं। और मैं मानती हूँ कि उसके बारे में पूरे देश के अंदर लोग विज्ञापन कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेशन को मेहरबानी करके जाके देखा हो कितना अच्छा बढ़िया है। ये सब हो जाएगा, आपका पर्यटन, आपके रोड, आपके स्टेशन, मंदिरों के कैसे लग रहे हैं, अभी पूरा पुष्कर का पानी का आवक इतना अच्छा हो गया, मुझे देख के अच्छा लगा कि आज की तस्वीर रघावत जी लेके आए थे, वो बता रहे थे कि 5 फुट पानी उसके अंदर आ गया है, बहुत अच्छा पानी आया है। और मैं मानती हूँ कि ये लोग ईश्वर का आशीर्वाद है कि पूरा पुष्कर चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंदिर के काम हो रहे हैं, सरस्वती देवी जी के मंदिर का आपका रोड पे भी हो गया है, सारस्वती माता का आपके रोड पे भी हो गया है, तो आप आराम से बूढ़े बड़े जो है वहां पहुंच सकते हैं। और नीचे के जो सीढ़ियां हैं उनको भी ठीक करने का काम कर रहे हैं, जो चढ़ना चाहेंगे तो वो भी आराम से चढ़ सकेंगे। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ पानी का काम भी हुआ है और सीवरेज का काम भी हुआ है। अन्ना पार्लर वॉइस लगा, ये आपकी अमानत है, जिस तरीके से उदयपुर की जो झील है वो उनकी अमानत है, वैसे ये आपकी है। और इसलिए इनको साफ रखना, इनको संभाल के रखना, ये हम सबका एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी कहा है और मैं नाम भी दूंगी आपको, वो लोग जो बाग बगीचे लगाते हैं, हमारे सातों ये संभागीय जो जिले हैं उन सब जिलों के अंदर हम चाह रहे हैं कि वो हरे भरे बन जाए, तो खाली सिटी सिटी साफ सुथरी नहीं हो, पर पेड़ पौधे और हरियाली आपको देखने को मिलेगा, तो लोग चल के आएंगे, ये कहेंगे कि कितना सुंदर शहर है, ये सब चीजें हैं, उसके लिए भी मैंने कहा तभी तो स्मार्ट सिटी बनेगी। स्मार्ट सिटी क्या होती है? वाईफाई, आईटी, ये तो लगेगा, परंतु ये सब चीजें लग जाएंगी। ऐसा लगना चाहिए कि बंबई वाला कहे नहीं भाई बंबई में नहीं रहना, मैं तो अजमेर में जाके रहूंगा, ऐसी परिस्थिति अगर बना सकते हैं, ऐसे के लिए लोग छोड़ छोड़ के यहां आना शुरू हो जाएंगे, जयपुर आ जाएंगे, बीकानेर आ जाएंगे, जोधपुर आ जाएंगे, कोटा आ जाएंगे, भरतपुर आ जाएंगे, जब ऐसे आएंगे तो मैं समझती हूं कि हमने हमारी स्मार्ट सिटी का जो लक्ष्य था उसको हमने पूरा किया। उसके साथ साथ हमारे लोग कैसे हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो पहले अपने बारे में ही सोचते हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो पहले सिटी के बारे में और अपने समाज के बारे में और अपने अजमेर के बारे में, अपनी सिटी के बारे में सोचते हैं? क्योंकि अगर वो लोग हैं तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी इंतजाम करेंगे, परंतु साथ साथ खिलौने का बैंक भी लगाएंगे, ताकि जो लोगों के पास पैसा नहीं है और जो कमजोर वर्ग के हैं उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा, उनको किताब पढ़ने का मौका मिल जाएगा, कपड़े अगर नहीं है तो उनको साफ सुथरे कपड़े बनाकर हम लोग दे सकेंगे, लाइब्रेरी की किताब अगर वो पढ़ लेगा, रक्त की अगर जरूरत है तो रक्त उसको समय पर मिल जाएगा, आंगनबाड़ी के द्वारा प्री स्कूल के बच्चों को कपड़े मिल जाएंगे, और ये सब अगर काम हो जाएंगे तो फिर एक समाज दूसरे समाज से कैसे लड़ सकता है? मैं आपको ये कह रही हूं कि ये आज का सपना है, राजनीति एक दूसरे को अलग करके एक दूसरे को लड़ा के नहीं करना है, राजनीति और समाज का भला तब होगा जब हम सब मिलके 36 के 36 तौर और सब समाज प्यार से मिलके मजहब के लोग ये तय करेंगे कि हमारा अजमेर है, इस अजमेर में वो भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी मतलब है, वो भी मतलब है, परंतु हम सब एक परिवार है और हम मिलकर हमारे अजमेर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, सभी लोग आएंगे आपको देखने के लिए। ये राजनीति ऐसे लोग हैं, मैंने भी देखा है, जिन्होंने
डिवाइड करने का, लोगों को अलग करने का आज तक काम किया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपके अगर बीच में दीवारें हैं तो वो दीवारें टूटे, प्यार के माला में एक दूसरे के साथ आप लोग से जुड़ जाएं और एक ऐसा अद्भुत और सुंदर अजमेर आप बनाने का काम करें, क्योंकि ये टीम अजमेर, टीम राजस्थान ये बनाने का काम करेगी। टीम अजमेर मेहनती लोग हैं, अगर ये सब लग जाएंगे तो मुझे तो विश्वास है ये बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा, एक भविष्य का अजमेर आपका खड़ा हो जाएगा। वाकई में जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं वो स्मार्ट सिटी बन के रहेगी। और मैं आपको बताती हूँ फिर सक्सेस आपके कदमों को चुमेगी भाइयों बहनों, इसलिए अपने को इस तरफ काम करना है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त के दिन हम शहीदों को याद करेंगे। आज हम संकल्प लेके कल की तरफ चलें, साथ चलेंगे हम सब साथ चलेंगे एक दूसरे के, चाहे कुछ भी हो, और हम मिलके इस अजमेर को बनाएंगे। और जब अजमेर और जयपुर सबको बना लोगे तो एक नया राजस्थान के साथ बनाएंगे। यही एक कल्पना है जो मैं विश्वास करती हूँ आपकी भी कल्पना है, और जो हम सब मिलकर साकार करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आपको बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा प्यार। ये काम अभी अभी हमने शुरू किया है, मैं समझती हूँ कि कुछ काम है, बहुत सारे काम अभी भी हमको मिलकर करने हैं। अगर तैयार हो तो बोलो तैयार हो, अगर तैयार है तो अजमेर वासी रास्ता दिखाएं। यही मेरा आप लोगों से आज, सबको बहुत सारा धन्यवाद हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, एनडीएफ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना भी बहुत सक्सेसफुल रही है। 16 नवंबर से हम फिर उसको चालू करने जा रहे हैं। ऐसा शहर की बावलियां हमने बिना पैसे से ये काम किया है भाई, हमने सबने मेहनत करके, किसी ने फाड़ा उठाया, किसी ने तलाई उठाई है, तो किसी ने कुछ किया, सबने लेकिन किया। आप मेहरबानी करके आप शहर की बावलियों को भी चमकाने का काम, सबको बहुत सारा बहुत ही सोच रही है।